वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को लिस्ट किया था, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडेड है और उसको फिर हम मैप का यूज़ करके यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराया। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि अगर आप ब्राउज़र पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है, यानी कि प्रोडक्ट टाइटल और प्राइस और फिर दूसरा प्रोडक्ट का टाइटल और प्राइस। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि यहाँ पर ये जो सेक्शन है हमारा, ये हमारा रीसेंट एडेड प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब हमें एक और सेक्शन बनाना है जिसमें हम क्या कहते हैं कि न्यूली एडेड या किसी तरीके का भी एक आप कैटेगरी मान के चलो कि वो मुझे ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है कि सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है, प्रोडक्ट का टाइटल और प्रोडक्ट का प्राइस आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग डॉट जे एस बनाया है, सेम उसी तरीके से हमें एक और कंपोनेंट बनाना पड़ेगा और उसके अंदर पूरा का पूरा सेम कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोड जो है वो इस तरीके से लिखें कि उसको मैक्सिमम जगह ज़रूरत पड़ने पर हम उसको रीयूज़ कर सकें, उसका दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। तो अगर ये हमारा एल आई है, इसमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो हमको हमने उसको क्या किया है कि इसी कंपोनेंट में इसको डिस्प्ले कराया है। अगर इसको हम एक अलग सेपरेट कंपोनेंट में ऐड कर लें और उस कंपोनेंट को हम अगर यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, ना कि पूरा एलआई को, तो उससे क्या होगा कि वो कंपोनेंट को फिर हम दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें करना क्या है कि इसको हमें एक पूरे के पूरे अलग कंपोनेंट में ऐड करना है और उस कंपोनेंट को फिर हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉप्स का जो है यूज़ कैसे होता है और प्रॉप्स जो है वो एग्जैक्टली है क्या, मतलब वो आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, न्यू कंपोनेंट, इसका नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फो डॉट जी एस। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी उसके अंदर। और उसके बाद इसको पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसको रिमूव मतलब चेंज कर लेंगे ताकि हमें पूरा लिखना ना पड़े। सबसे पहले तो ये रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, और इसे भी रिमूव कर देते हैं, और इसका नाम दोनों का यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा रिटर्न हो रहा है, मैं इसको कट करके इस रिटर्न की जगह पे हम इसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा प्रोडक्ट इन्फो कंपोनेंट हो गया। अब इसको यूज़ करने के लिए दूसरे कंपोनेंट में, इसको मैं यहाँ से नेम इसका कॉपी कर लेता हूँ और प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर में ये जो पूरा हमारा एल आई है इसको लूप में ना ऐड करके, यानी कि रिटर्न ना करके, डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ कि इसकी जगह पे मैं इस कंपोनेंट को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऐड किया तो इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है इसको, इंपोर्ट प्रोडक्ट इन्फो, और ये आएगा कहाँ से, डॉट स्लैश प्रोडक्ट इन्फो, क्योंकि ये दोनों एक ही फोल्डर के अंदर में है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जैसे जितने भी हमारे ये कंपोनेंट्स हैं, तो जितने भी हमारे ये कंपोनेंट्स हैं, ये सब क्या हो रहा है कि इस मेन ऐप डॉट जे एस के अंदर में ऐड हो रहा है। तो ये क्या है, इसका पेरेंट कंपोनेंट है इन सारे कंपोनेंट का, ऐप डॉट जे एस पेरेंट कंपोनेंट हुआ। तो उसी तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट इन्फो जो हमारा कंपोनेंट है वो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये इसका पेरेंट कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो पेरेंट कंपोनेंट से डेटा जब हम सेंड करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में, तो उस प्रोसेस को हम प्रॉप बोलते हैं, यानी कि प्रॉप का यूज़ करके हम उसे सेंड करते हैं। बट यहाँ पे डेटा हम सेंड क्यों कर रहे हैं, तो वो डेटा हम इसलिए सेंड करेंगे क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आ रहा प्रोडक्ट डॉट टाइटल और प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक है, बट प्रोडक्ट डॉट टाइटल और प्रोडक्ट डॉट प्राइस जो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे इसको ये नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट का टाइटल है और कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे प्रोडक्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब ये लूप चल रहा था तो यहाँ पे तो अवेलेबल था ये,
क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे ऐड कर रहे थे एज ए पैरम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको इस तरीके से आपको यहाँ से ऐसे पास करना होगा, यानी कि एज ए प्रॉप जो है यहाँ से हम इसे पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेम हो गया और जो डेटा पास कर रहे हैं वो हमारा ये प्रोडक्ट हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ से ये पास हो रहा है, तो अब इस कंपोनेंट में हम इसे रिसीव कर सकते हैं। तो रिसीव करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली ब्रैकेट ऐड करना है, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको इसे रिसीव कर लेना है, यानी कि जिस नाम से आप यहाँ पे सेंड कर रहे हैं उसी नाम से आप यहाँ पे रिसीव भी करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है जब हम यहाँ से रिसीव करें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। तो जब प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो आराम से ये इसे पता चल जाएगा कि अच्छा प्रोडक्ट का टाइटल है, प्रोडक्ट का प्राइस है। ठीक है, तो इसे मैं सेव कर देता हूँ प्रोडक्ट इन्फो को। और प्रोडक्ट लिस्टिंग में हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्योंकि आपको पता है जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब हम कोई भी चीज़ लूप में ऐड करते हैं तो वहाँ पे हम आईडी भी ऐड करते हैं, तो इस केस में यहाँ पे हमें यूनिक आईडी ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि एज ए की। तो यहाँ पे की मैं ऐड कर देता हूँ जो कि होगा हमारा प्रोडक्ट डॉट आईडी। ओके, तो ये हमने ऐड कर दिया, बट इसको हम और शॉर्ट में कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा क्या एक लाइन में है। तो जब एक लाइन में आप कोई भी चीज़ लिखते हैं ये सिक्स के अंदर, तो आप यहाँ से ये जो रिटर्न स्टेटमेंट ये जो देख रहे हैं आप ब्रैकेट, ये आप इसे हटा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जैसे पहले प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसी तरीके से अब भी आ रही है, बट अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो अब हमारा जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ये क्या हो गया कि ये हमारा रीयूजेबल हो गया, यानी कि हम इसको जितना भी हम चाहें, जितनी जगह भी चाहें, मल्टीपल जगह हम इसे यूज़ कर सकते हैं सेम कंपोनेंट को। हमें दोबारा से ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है हमारा कि डेटा जो हम पास करते हैं इस प्रोसेस को हम प्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने डेटा पास किया है, इस तरीके से आप जो है डेटा के अलावा मेथड भी पास कर सकते हैं, जो कि आगे जब हम मेथड यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि मेथड कैसे सेंड करना। वैसे सेंड करने का सेम ही तरीका होता है। ठीक है, बस प्रोडक्ट जहाँ यहाँ पे प्रोडक्ट है तो वहाँ पे मेथड का जो नेम होगा वो हमारा ऐड हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस एप्लीकेशन को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक करके भी बता सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं।